नमस्कार, मेरा नाम है विनीता और आप देख रहे हैं बीइंग पॉजिटिव विद विनीता। आज का हमारा विषय है एक छोटी प्रेरणा स्पर्श कहानी। राम राम जी। आज एक बहुत ही अच्छा सा प्रसंग है जो कभी अखबार में पढ़ा था, आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ही इच्छा जाहिर हुई कि किसी अपनों के साथ शेयर करूँ उस बात को। एक बच्चा था, उसके पापा की स्वर्गवास हो गया, छोटा सा ही था, तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ता था, समझदार हो गया था, मतलब उसे बात समझ आने लगी। एक बार वो समाधि थी, मतलब मुस्लिम बच्चा था, जैसे कब्र थी उसकी, अपने पापा की कब्र के पास जाके बस्ता फेंका और कहने लगा, पापा पापा। उसे तो लग रहा था पापा इसके अंदर है, एकदम बोल उठेंगे, पापा पापा मेरी टीचर ने कहा है कल फीस लेके आना, या तो फीस के पैसे लेके आना या अपने पापा को ही लेके आना, मुझे कुछ बात करनी है। और बस्ता फेंक के पापा की तरफ हाथ उठा के अरदास करने लगा, पापा चलो मेरे साथ, नहीं तो मुझे पैसे दो, नहीं तो मेरे साथ चलो, ऐसे करने लगा। थोड़ी दूरी पर ही एक आदमी था जो कि उस कब्र के ऊपर फूलों की चादर चढ़ानी थी, फूल वाले से कह रहा था मुझे 1000 रुपये के फूल दे दो। अचानक उसने बच्चे की बात सुनी तो उसने फूल वाले से कहा, रहन दे फूल, मेरे को तो फूल मिल गए। उसने 1000 रुपये, कितनी प्यारी बात है देखिए आप, उसने वो 1000 रुपये ले जाके उस बच्चे को दे दिए, कहा बेटा तेरे पापा ने भेजे हैं। बच्चा खुश हो गया, दौड़ता हुआ बस्ता उठा के अपने घर में अपनी माँ के पास गया, कहा कि पापा ने भेजे, पापा ने भेजे। कहानी तो पूरी हो गई, लेकिन देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हम मंदिर मस्जिद में सब जगह फूल चादर चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन किसी इंसान के हम काम आ जाएं तो वो भगवान की नज़र में सबसे बड़ा हमारी तरफ से गिफ्ट होगा कि हम किसी ज़रूरतमंद के काम आए, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो हम दें। भगवान प्रसाद से खुश नहीं होते, भूखे का हम पेट भरेंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, किसी को क्वारी कन्या है उसके अगर विवाह होने में परेशानी आ रही है और क्यों पैसे नहीं है, उसे पैसे से हेल्प करेंगे, कोई बीमार है तो दवाई से हेल्प करेंगे, कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो उसकी हम पढ़ाई की कोई भी सामग्री, किताबें हैं, ज्योमेट्री बॉक्स है, पेंसिल वगैरह उपलब्ध कराएंगे, प्यासे को पानी देंगे, मतलब घूम फिर के निष्कर्ष ये, दूसरे की हमें सहायता करेंगे तो भगवान अल्लाह हम किसी भी रूप में उसे देखें, गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है, तभी हमें सही अर्थों में अपना आशीर्वाद देंगे, क्योंकि धरती गोल है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हम किसी की सहायता करेंगे तो भगवान उसका डबल करके हमें अपने आशीर्वाद रूप में देंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगी, सदा दूसरे का भला करो। तो मैं आपसे अगले